नमस्कार सभी को, मैं प्रशांत शर्मा नव भारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, गत कक्षा में हमने समास का जो पहला जो भाग था अव्यय भाव समास, उसको जान लिया था। आज हम तत्पुरुष समास के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यानी कि तत्पुरुष समास क्या होता है। इस समास में प्रायेण उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं। इसके दोनों पदों में क्या होती है दोस्तों, अलग अलग विभक्तियां होती हैं। कहीं पर दोनों पदों में समान विभक्ति भी होती है और कहीं पर दोनों पदों में समान विभक्ति भी होती है। ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का क्या होता है, यानी कि पहले वाले पद की विभक्ति का लोप हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद में पहले वाले पद की विभक्ति का लोप करके और फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, समस्त पद बनाते हैं। ठीक है, इसमें द्वितीय से सप्तमी विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाते हैं और इसमें सप्तमी से लेकर के द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक की विभक्ति का लोप करके हम क्या करते हैं, समस्त पद को बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें पूर्व पद की मतलब उत्तर पद की क्या होती है, प्रधानता होती है। इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं और कहीं पर दोनों पदों में समान विभक्ति आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में पूर्व वाली विभक्ति, पूर्व पद की जो विभक्ति होती है, उसका लोप हो जाता है और उसके बाद में समस्त पद बना दिया जाता है। इसमें द्वितीय से सप्तमी विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, देखिए अब इसको उदाहरण देख लेते हैं अपन। शरणम आगतः, तो इसका द्वितीय तत्पुरुष क्या बन जाएगा, शरणागतः। शरणम आगत का द्वितीय तत्पुरुष क्या बन जाएगा, शरणागतः। उसके बाद में दूसरा देखिए, शरणम प्राप्तः, तो इसका द्वितीय तत्पुरुष क्या बन जाएगा, शरण प्राप्तः। सुखम प्राप्तः, तो मतलब सुखम प्राप्तः का द्वितीय तत्पुरुष क्या बन जाएगा दोस्तों, सुख प्राप्तः। यानी कि हमको क्या करना है, यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए, इन तीनों जो अपन ने उदाहरण देखे हैं, इसमें हमने क्या किया है, द्वितीय तत्पुरुष समास किया है। उसके बाद में आगे देखिए, सर मतलब पित्रायुक्त, तो इसका क्या बन गया, पितृयुक्त। ये कौन सी में, तृतीय तत्पुरुष में अपन देख रहे हैं। पितृयुक्त का क्या हो गया, पितृयुक्त। सर्पेन दष्ट, तो सर्प दष्ट। ठीक है, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, तृतीय विभक्ति तृतीय तत्पुरुष कर रहे हैं। अग्नि नाम दग्ध, तो अग्नि दग्ध। ठीक है ना दोस्तों, धनेन हीन, तो इसका क्या हो गया, धन हीन। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद में देखिए, विद्याहीन, तो विद्या से हीन या विद्या से हीन। ठीक है ना दोस्तों, यह अपन ने तृतीय तत्पुरुष में क्या इन उदाहरण को देख लिया। उसके बाद में चलते हैं चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष में क्या है, भूतया बलि, भूतया बलि, तो इसका क्या बन गया, भूत बलि। ठीक है ना, दान या पात्रम, तो इसका क्या बन गया, दान पात्रम। उपाय दारू, तो युप दारू। ठीक है ना दोस्तों, स्नानाय इदम, स्नानार्थम, स्नानार्थम। तस्में इदम, तो तद अर्थम, यानी कि तस्में इदम का क्या हो गया, तद अर्थम। ठीक है ना दोस्तों, यानी चतुर्थी तत्पुरुष में हमने ये उदाहरण को देख लिया। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि यहां से लेकर के और भूतावली से लेकर के और तस्मे
तस्मे इदम तक क्या है, चतुर्थी तत्पुरुष के उदाहरण है, और द्वितीय तत्पुरुष के जो उदाहरण है वो शरणम आगतः और शरणम प्राप्तः और सुखम प्राप्तः, ये तीनों उदाहरण हमने द्वितीय तत्पुरुष में देखे। फिर तृतीय तत्पुरुष में पित्रा युक्तः और सर्पेण दृष्टः और सरेण वृद्धः और उसके बाद अग्निया अग्निना दग्धः धनेन हीनः विद्याहीनः, ये हमने क्या किया तृतीय तत्पुरुष में देख लिए। और भूत बलि दान पात्रम युपदारु इष्णा नार्थम और तदर्थम, ये हमने चतुर्थी तत्पुरुष में हमने उदाहरण को देख लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं पंचमी तत्पुरुष की ओर चलते हैं। देखिए इसमें है पंचमी तत्पुरुष में क्या कह रहा है, चौरात भयम यानी कि रामात, ठीक है ना। तो चौरात भयम का क्या हो जाएगा, चोर भयम, चौरात भयम का क्या हो जाएगा दोस्तों, चोर भयम, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए रोगात मुक्तः, तो पंचमी तत्पुरुष का रूम क्या हो जाएगा, रोग मुक्तः, ठीक है ना। उसके बाद में अश्वात पतितः, तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, अश्व पतितः, ठीक है ना। स्वर्गात पतितः, तो स्वर्ग पतितः, ठीक है ना। इसके बाद में सिंगात पतितः, सिंगात भीतः, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंह भीतः, यानी कि चोरात भयम चोर भयम और रोग रोगात मुक्तम तो रोग मुक्तम और अश्वात पतितः अश्व पतितः स्वर्गात पतितः स्वर्ग पतितः और सिंगात भीतः सिंह भीतः, यानी ये जो उदाहरण है वो हमने पंचमी तत्पुरुष के उदाहरणों को देख लिया है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखिए षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष में क्या है, राज्य पुरुषः राज्ञः पुरुषः, तो इसमें क्या हो गया, राज पुरुषः, ठीक है दोस्तों, राज्य पुरुषः राज पुरुषः, ठीक है ना। इसके बाद देखिए देवानां पतिः, तो देवानां पति माने देव पति, ठीक है ना। उसके बाद नराणां पति, तो जो नरों का पति है वो कौन है, नर पति, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए देवस्य पूजा, देवस्य पूजा, ठीक है ना, तो इसका क्या हो गया, यानी कि देव पूजा, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि हम षष्ठी तत्पुरुष समास जो है उसमें राज्य पुरुष से राज पुरुष से हमने किया, देवानाम पति से हमने देवपति कर दिया और नराणाम पति से हमने क्या कर दिया, नरपति कर दिया। उसके बाद देवस्य पूजा, देवस्य पूजा से हमने क्या कर दिया दोस्तों, देव पूजा कर दिया। और सुखस्य भोगः, तो सुखस्य भोग से हमने क्या कर दिया, सुख भोग यानी कि सुख भोगने वाला, ठीक है ना दोस्तों। ये हमने कौन सा समास देख लिया, षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है ना। इसके बाद देखिए सप्तमी तत्पुरुष क्या कहता है, युद्धे निपुणः, युद्ध में निपुण, युद्धे निपुणः, युद्धः निपुणः, ठीक है ना। ये अपन कौन सा कर रहे हैं, सप्तमी तत्पुरुष कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में कार्य कुशलः, तो कार्य कुशल यानी कि कार्य में कुशल, ठीक है ना। शास्त्रे प्रवीणः, शास्त्रे प्रवीणः, शास्त्र प्रवीण यानी कि शास्त्र में प्रवीण, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखिए जले मग्नः, तो जल मग्नः, ठीक है ना। सभाया पंडितः, तो सभा पंडितः, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अपन ने जो सप्तमी तत्पुरुष में यानी कि जो सप्तमी विभक्ति है उसमें हमने तत्पुरुष समास को किया है, तो युद्धे निपुणः, युद्ध निपुणः, कार्य कुशलः, कार्य कुशलः, शास्त्र प्रवीणः, शास्त्र प्रवीणः, और जल जले मग्नः, जल मग्नः, और सभाया पंडितः, तो इसमें हो गया सभा पंडितः, ठीक है दोस्तों। ये हमने कौन सा देख लिया, सप्तमी तत्पुरुष।
ये हमने सप्तमी तत्पुरुष को देख लिया है, ठीक है ना। अब उसके बाद में न्यायिक तत्पुरुष देखेंगे। न्यायिक तत्पुरुष क्या कहता है, न धार्मिक, यानी कि न धार्मिक, तो इसको हमने क्या कर दिया, अधार्मिक, यानी कि न्याय तत्पुरुष के को हमने क्या कर दिया, अधार्मिक। न सुखम, तो उसका क्या हो गया, असुखम, ठीक है ना। और न आदि, तो न अ, 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 इसका क्या हो गया, न आदि का क्या हो गया, अनादि, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में न सत्यम, तो असत्यम। न्याय तत्पुरुष में हमने क्या किया है, न के स्थान पर अ कर दिया है, ठीक है ना दोस्तों। तो न धार्मिक, अधार्मिक, न धार्मिक का क्या हो गया, अधार्मिक हो गया। और उसके बाद में न सुखम का क्या हो गया, असुखम हो गया। और न आदि का क्या हो गया, न आदि का हो गया, अनादि हो गया। और न सत्यम का, असत्यम हो गया। ये हमने मतलब तत्पुरुष की सातों जो तत्पुरुष है, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष और न्याय तत्पुरुष तक का हमने क्या कर लिया, देख लिया है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए तत्पुरुष समास के और भी दो भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के दो भेद और भी होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कर्मधार और द्विगु। कर्मधार को हम क्या कहते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं, अर्थात कर्मधार समास भी कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि ये दोनों जो समास है, इसमें हम इन समासों को हम तत्पुरुष समास में ही गिनते हैं, ठीक है ना। पहला देखिए, पहला कौन सा है, कर्मधार समास। पहला कौन सा है दोस्तों, कर्मधार समास। देखिए कर्मधार समास को अपन देखते हैं, इसके दोनों पदों में विभक्ति समान होती है। कर्मधार समास में क्या है, इसके दोनों पदों में विभक्ति क्या होती है, समान होती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसके तीन स्वरूप होते हैं। इसके कितने स्वरूप होते हैं, तीन स्वरूप, ठीक है ना। इसके तीन स्वरूप होते हैं, तो पहला देखिए, कभी कभी विग्रह पदों में पूर्व पद विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। यानी कि पहला पहले में क्या कह रहा है, कभी कभी विग्रह के पदों में पूर्व पद क्या होता है, विशेषण, और उत्तर पद क्या होता है, विशेष्य होता है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में देखिए, कभी दूसरा जो है, कभी कभी पूर्व पद क्या होता है, उपमान हो जाता है, और उत्तर पद क्या होता है, उपमेय हो जाता है। यानी कि इसका कभी कभी पूर्व पद क्या होता है, उपमान हो जाता है, और उत्तर पद उपमेय हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। ये हमने इसके दो स्वरूप पढ़ लिए। पहले पद स्वरूप में क्या है, कि पूर्व पद क्या होता है, विशेषण होता है, और उत्तर पद विशेष होता है। इसके बाद दूसरा क्या देखा, पूर्व पद उपमान होता है और उत्तर पद जो है वो उपमेय होता है। अब हम तीसरा देखते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरे में है, कभी कभी दोनों पद विशेषण भी होते हैं। कभी कभी दोनों पद क्या होते हैं, विशेषण भी होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखिए उदाहरण देखते हैं अपन। नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम, तो इसका क्या हो गया, नीलोत्पल, नीलोत्पलम, ठीक है ना दोस्तों। नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम, ठीक है ना। विशाल वृक्ष, विशाल वृक्ष, तो इसका क्या हो गया, विशाल वृक्ष, ठीक है ना। मधुरम फलम, तो फल कैसा है, मीठा, तो मधुर फलम, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा पुत्र, तो ज्येष्ठ पुत्र, ठीक है ना दोस्तों, ज्येष्ठ पुत्र। कुत्सित राजा, कुत्सित राजा, कुत्सित राजा क्या हो जाएगा, भू राजा, ठीक है ना दोस्तों।
हमने इस कर्मधारय समास में क्या कर रहे हैं, विशेषण विशेष के बारे में यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम विशाल वृक्ष, विशाल वृक्ष मधुरम फलम, मधुर फलम ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र कुशित राजा, और कुशित राजा क्या होगा, कु राजा, सुंदर पुरुष, सुपुरुष यानी कि सुंदर मनुष्य या सुंदर पुरुष, ठीक है ना दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा, सुपुरुष। ये हमने कर्मधार में क्या देखा, पहला जो था इसमें विशेषण विशेष, पूर्व पद में क्या है, पूर्व पद में विशेषण है और उत्तर पद में क्या है दोस्तों, विशेष्य है, ठीक है ना, इसको हमने देख लिया है। इसके बाद में देखिए महान च असो राजा, तो इसका क्या हो जाएगा, महा महाराज, ठीक है ना दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, महाराज। अब कर्मधार में जो दूसरा कह रहा है उपमान रूप में, उसको भी हम देखते हैं, घन एव श्याम, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, घन श्याम। कमलम एव मुखम, तो इसका क्या हो जाएगा, कमल मुखम। इसमें क्या बता रहा है, उपमान और उपमेय की विशेषता बता रहा है। चंद्र एव मुखम, तो उसका मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, ठीक है ना, चंद्रमा के समान है। कमल मुखम, कमल एव मुखम, तो उसका मुख कैसा है, कमल के समान है, ठीक है। उसके बाद में देखिए नर सिंह एव, तो वो कैसा है, नर भी है और सिंह भी है, नरसिंह एव का मतलब क्या, नर सिंह, तो वो नर सिंह भी है और नर भी है, ठीक है ना दोस्तों। शीतम च उष्णम, तो शीतो उष्ण, यानी कि इसमें हमने ये जो है घन एव श्याम, घन श्याम कमल एव मुख, कमल मुखम, और उसके बाद में चंद्र एव मुखम, चंद्र मुखम, और नर एव सिंह, नर सिंह, इसमें हमने उपमेय और उपमान की विशेषता को बताया है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए शीतम च उष्णम, तो इसका हो गया शीतो उष्णम, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, उभय पद की और उभय पद में क्या देख रहे हैं, विशेषण को हम देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए शीतम च उष्णम, शीतोष्णम, शीतोष्णम रक्तस्य पीतः, तो इसका क्या हो गया, रक्त पीतः, ठीक है ना दोस्तों, इसका हमने क्या कर दिया, रक्त पीतः। आदो सुप्त पश्चादु तथितः, यानी कि सुप्तोत्थितः, यानी कि सुप्तोत्थितः, आदु सुप्त पश्चादुत्थितः, यानी कि इसका क्या बन गया, सुप्तोत्थितः, ठीक है ना दोस्तों। इसमें हमने क्या किया, कर्मधारय में उभय पद विशेषण को जाना है, पहले में क्या जाना, विशेषण विशेष को जाना, ठीक है ना, इसमें मतलब पूर्व पद जो है वो विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है। कर्म दूसरे में हमने क्या करना, उपमान और उपमेय, यानी कि पहला पद उपमान और उत्तर पद जो है वो उपमेय, और तीसरे में हमने उभय पद विशेषण की जानकारी कर ली, ठीक है दोस्तों। हम अब आगे की ओर चलते हैं, देखिए तो दूसरा समास अपना है वो कौन सा है, द्विगु समास, ठीक है ना, यानी कि कर्म तत्पुरुष समास के दो भेद हमने बताए थे, जिसमें कर्मधारय को हमने जान लिया। अब दूसरा समास कौन सा है दोस्तों, द्विगु समास। द्विगु समास क्या है, जब कर्मधारय समास का पूर्व पद, जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, ठीक है ना। जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है ना। यह समास सामान्यतः समूह अर्थ में होता है, यह समास कब होता है, समूह के अर्थ में होता है। इसके
विग्रह में प्रायेण षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और ये जो द्विगु समास है इसके विग्रह में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समस्त पद सामान्यतया नपुंसकलिंग एक वचन में होते हैं और इसके जो है वो समस्त पद जो है वो सामान्यतः एक वचन और नपुंसकलिंग में होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि सबसे पहली बात तो ये कि जो द्विगु समास है वो पूर्व पद में संख्यावाची होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं और ये सामान्यतः के समूह के अर्थ में होता है और इसके बाद में इसके विग्रह करने पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और समस्त पद सामान्यतः नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। ठीक है ना दोस्तों, ये हमने द्विगु समास के बारे में जाना। इसके बाद देखिए इसके उदाहरण अपन देखते हैं। सप्तानाम दिनानाम समाहारः, तो ये क्या बता रहा है, सप्त दिनम यानी कि सात दिनों का समूह। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि इसमें सप्तानाम दिनानाम समाहारः तो इसका हो गया सप्त दिनम। पंचानाम पत्राणाम समाहारः, पंचानाम पत्राणाम समाहारः तो इसका हो गया पंच पात्रम, पंच पात्रम। ठीक है ना, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार तो इसका क्या बन गया दोस्तों, त्रिभुवनम। ठीक है ना, यानी कि इसमें हमने सप्तानाम दिनानाम समाहार, सप्त दिनम, पंचानाम पात्राणाम समाहार पंचपात्रम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार त्रे भुवनम। ठीक है ना दोस्तों, अब आगे की ओर अपन चलते हैं। देखिए पंचानाम रात्रीणाम समाहार तो इसका क्या हो जाएगा, पंच रात्रम, पंच रात्रम। चतुर्णाम योगानाम समाहार तो इसका क्या हो जाएगा, चतुर्णाम योगानाम समाहार तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, चतुर युगम, इसका क्या हो जाएगा, चतुर। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें हमने क्या कर लिया, दूसरा अपन जो है इसमें देखते हैं कि कभी कभी द्विगु इकारांत स्त्रीलिंगी भी हो जाता है और कभी कभी वहां पर कह रहा था कि नपुंसकलिंग एक वचन में होता है लेकिन यहाँ ये जो दूसरा जो है वो इसने दिया है कभी कभी द्विगु इकारांत स्त्रीलिंग में भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए त्रयाणाम लोकानाम समाहार तो इसका क्या हो जाएगा, त्रिलोकी। ठीक है ना दोस्तों, तीन लोकों का पालन करने वाला। पंचानाम बटानाम समाहार तो पंच बटी, इसका क्या हो गया दोस्तों, पंच बटी। सप्तानाम शतानाम समाहार तो सप्तानाम सप्तानाम शतानाम समाहार तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सप्त सती। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए अष्टानाम अध्यायानाम समाहार तो इसका क्या हो गया, अष्टाध्यायी हो जाएगा यानी कि कभी कभी द्विगु इकारांत स्त्रीलिंगी भी हो जाता है। त्रयाणाम लोकानाम समाहार तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, त्रैलोकी। पंचानाम बटानाम समाहार तो स्त्रीलिंग में हो गया दोस्तों, पंच बटी। सप्तानाम शतानाम समाहार तो स्त्रीलिंग में क्या हो गया दोस्तों, सप्त शती। ठीक है ना, उसके बाद अष्टानाम अध्यायानाम समाहार तो इसका हो गया हमारा अष्टाध्यायी। ठीक है ना दोस्तों, ये हमने जो है वो क्या किया, द्विगु समास के जो है इकारांत स्त्रीलिंग में जो हो रहा है उसके उदाहरण को देखा है। अब हम दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अब हम इसमें क्या करते हैं, है ना, इसमें हमने
आप यहाँ पर जो है वो तत्पुरुष समास को और कर्मधारय समास को और उसमें द्विगु समास को हमने देख लिया है। द्विगु समास में इकारांत स्त्रीलिंग को हमने जान लिया है, इसके उदाहरणों को हमने जान लिया है। अगली कक्षा में हम द्वंद और बहुव्रीहि समास की चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।